हेलो फ्रेंड्स, सारा कोकोस में शबाना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम क्रिस्पी, टेस्टी और बहुत ही आसानी से तैयार होने वाली बेसन की पूरी बनाएंगे। इसे आप ऐसे ही या फिर चपाती के साथ भी खा सकते हो। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये बेसन की पूरी बनाने के लिए मैंने इस चॉपर में प्याज को मोटा मोटा सा कट करके डाल दिया है। ये बेसन पूरी बनाने के लिए मुझे एकदम फाइनली कटा हुआ प्याज चाहिए, इसलिए मैं ये चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। अभी हम इसे इस तरह से चॉप कर लेंगे। अभी हम खोल के चेक कर लेते हैं। वाह, ये देखिए, प्याज एकदम बारीक कट हो गई है। अभी मैं इसमें से ये ब्लेड हटा देती हूँ। अभी मैं ये चॉपर को ही एज अ कंटेनर यूज करने वाली हूँ। अभी मैं इसमें ये 1 कप बेसन का आटा डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें एक टेबल स्पून जितना कांदा लहसुन मसाला डालने वाली हूँ। अगर आप इसकी जगह लाल मिर्च का पाउडर डालना चाहते हो तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम डाले, और साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला भी डाल दे। इसमें ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए अलग अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसे मैंने इसमें डाल दिया है। आधा टी स्पून नमक, आधा टी स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ये धनिया भी डाल रही हूँ कटा हुआ। अभी हम इसमें ये पानी डालकर इसका एक पतला सा बैटर तैयार कर लेंगे। आज का ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अभी आप मेरे सारे वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हो, वहाँ पर मैंने सारा कुक हाउस के नाम से पेज बनाया है, तो उसे भी प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ये देखिए, ये बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए इसमें बेसन की। अभी मैं इसे एक 5-10 मिनट के लिए साइड में रख दूंगी, उसके बाद हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। ये देखिए, ये बेसन पूरी बनाने के लिए मैंने इस तवे में 2 टीस्पून जितना तेल डाल दिया है। नॉर्मल जो चपाती बनाने के लिए तवा हम यूज करते हैं वही मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसमें पूरी ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। आप चाहो तो नॉनस्टिक पैन का भी यूज कर सकते हो। अभी मैं इसमें इसमें से ये बैटर डाल देती हूँ। तेल गरम हो चुका था तो बैटर डाल दिया है। अभी हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, जैसे हम डोसा स्प्रेड करते हैं वैसे ही हम इसे स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। तो इसे मैंने एक साइड से अच्छे से सेक लिया है। अभी हम इसे पलट लेंगे। पलटने के लिए आपको इसके किनारे अलग कर लेने होंगे, क्योंकि ये हम नॉनस्टिक पैन नहीं यूज़ कर रहे तो ये इसमें थोड़ी सी चिपक जाती है पूरी। वाह, ये देखिए, ये अच्छे से पलट गई है। इसे हम दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। इसे मैंने दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक लिया है। अभी हम इसे पलट लेंगे। वाह, ये देखिए, बहुत ही अच्छे से सिक्के तैयार हो गई है। अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह मैं बाकी पूरियां बनाकर तैयार कर लूंगी। ये देखिए, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनती है ये। ये देखिए, इस पूरी को मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट करके सर्व कर लिया है, और थोड़ा सा हरे धने से गार्निश भी किया है। तो ये तैयार है। तो हमारी ये गर्मा गर्म क्रिस्पी बेसन की पूरी बनके तैयार है। इसे आप ऐसे ही या फिर चपाती के साथ भी खा सकते हो। तो आप भी इसे जरूर बनाइए। और ज्यादा रेसिपीज देखने के लिए आप चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.sarakookhouse.com। और अभी हफ्ते में 2 दिन मतलब थर्सडे और फ्राइडे 2 रेसिपीज देख पाएंगे। अगली बार फिर से मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।